जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी होता है जल। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर कई बार जल ना होना जीवन जीने के लिए बड़ा संकट बन जाता है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल मुनस्यारी के ग्रामीणों का है। एक एक बूंद पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र विकास खंड मुनस्यारी के तल्ला जोहार मल्ला समकोट गांव में पानी की भारी किल्लत की खबर सामने आ रही है। गांव वाले 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी से खुवागढ़ से पिकअप वाहन से पानी ढोकर लेने को मजबूर हो गए हैं। गांव में एकल पेयजल योजना है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की योजना के बाद भी गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने पानी की खोज में 3 दिन तक श्रमदान भी किया, मगर उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। समकोट गाँव के लोगों ने बताया कि ये योजना के संबंध में विधायक हरीश धामी से बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से भेंट कर अवगत कराया जाएगा, शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा सदन में मामले को उठाया जाएगा। साथ ही इस समय गर्मी पड़ रही है, संबंधित विभाग तत्पर रहे। पेयजल की किल्लत से धारचूला विधानसभा में आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण गांव में पिछले एक सप्ताह से जो है पेयजल संकट गहराया है मरला संपूर्ण में, और 3 किलोमीटर दूर जाकर के एक सुआ जो गदेरा है वहां से लोग पानी लाने को मजबूर हैं और वहाँ पे जानवर और आदमी साथ पानी पी रहे हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि जल मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल की बात कहती है, लेकिन आज सीमांत क्षेत्र जो हमारे गांव है सबसे बड़ा ग्राम पंचायत संपूर्ण है, वो गांव के पूरे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जानवर परेशान है। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि संपूर्ण गाँव में तत्काल पेयजल जो व्यवस्था है पेयजल लाइन सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं तो हम उपजिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।